बॉलीवुड के भाईजान ऐसे कलाकार हैं जो दूसरों के रिकॉर्ड तोड़ने में भरोसा नहीं करते हैं, वो खुद अपने रिकॉर्ड बनाते हैं। यही वजह है कि आप इस समय टाइगर जिंदा है की हर एक रिपोर्ट में नए रिकॉर्ड के बारे में पढ़ रहे होंगे। अपनी इस रिपोर्ट में भी हम आपको भाईजान के फिल्म का एक नया रिकॉर्ड बताने जा रहे हैं। बता दें कि भाईजान की टाइगर जिंदा है 5वीं फिल्म बन गई है जिसने 200 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। इसी के साथ सलमान खान ने आमिर खान, शाहरुख खान, प्रभास, अजय देवगन और ऋतिक सभी को धूल चटा दी है। अगर हम आपको बॉलीवुड के उन कलाकारों की लिस्ट बताएं जिन्होंने 200 करोड़ की फिल्में दी हैं, तो वो कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, सलमान खान, 5 फिल्में, किक, प्रेम रतन धन पायो, सुल्तान, बजरंगी भाईजान और टाइगर जिंदा है। नंबर 2, आमिर खान, 4 फिल्में, 3 इडियट्स, पीके, दंगल और धूम 3। नंबर 3, शाहरुख खान, 2 फिल्में, हैप्पी न्यू ईयर, चेन्नई एक्सप्रेस। नंबर 4, प्रभास, 1 फिल्म, बाहुबली 2। नंबर 5, ऋतिक रोशन, 1 फिल्म, कृष 3। नंबर 6, अजय देवगन, 1 फिल्म, गोलमाल अगेन। तो देखा आपने, सलमान ने बाकी के सभी सुपरस्टार्स को धूल चटा दी है। हालांकि ये काफी चौंकाने वाली बात है कि साल में 3-4 फिल्में देने वाले अक्षय कुमार की कोई भी फिल्म 200 करोड़ के क्लब में एंट्री नहीं ले पाई है। देखना होगा कि उन्हें इस क्लब का हिस्सा बनने के लिए कितना वक्त लगेगा। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए NMF न्यूज़।